हे गाइस, वेलकम बैक टू मोमिस्तान। मोमिस्तान पर आप मेरी रेसिपी वीडियोस तो अक्सर देखते रहते हैं, बट आज आपके लिए यानी कि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशली किसी ने वीडियो भेजा है। जी हाँ, मेरी आंट ने ये वीडियो भेजा है, एक रेसिपी वीडियो अपना। बहुत ही अमेजिंग पर्सन एंड बहुत ही अमेजिंग होम शेफ है, तो वो अपनी रेसिपी वीडियो उन्होंने शेयर की है हमसे, जो कि मैं आपको अभी मोमिस्तान पर दिखाने वाली हूँ। आने वाले दिनों में भी मोमिस्तान पर आपको टाइम टू टाइम उनकी रेसिपीज देखने को मिलेगी, तो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड टू वॉच हर रेसिपीज, सो एम आई। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने माई सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशली ये रेसिपी वीडियो भेजा। तो चलिए उनकी रेसिपी देखते हैं। बना रही हूँ चिकन चिली अचारी। इसमें सब पहले दो प्याज है मीडियम साइज की, जिसको मैंने बारीक काट के रखा हुआ है, और फिर लहसुन अदरक है पिसा हुआ या कुटा हुआ 2 चम्मच के करीब। टमाटर है एक, अगर बड़ा है तो आधा, नहीं तो छोटा है तो पूरा एक काट ले। अचार मसाला है, ये है स्प्रिंग अनियन, ये है ग्रीन चिली स्प्लिट की हुई, और ये चिकन है अराउंड 1 kg। ये कटा हुआ शिमला मिर्च मोटा, और प्याज है जिसे मैंने मोटा मोटा काट के रख लिया, जो बाद में ऐड होगा। एक बर्तन में हमने ओलिव ऑयल डाला, अच्छा खासा डालते हैं उसमें। उसमें अनियन डाल दें, चलाते रहें उसको जब तक कि वो हल्की गुलाबी ना नहीं हो जाती, अराउंड 5 मिनट्स। ये हल्की गुलाबी हो जाए तो लहसुन अदरक जो कि मैंने कूट के रखा हुआ है, इसको पीस भी सकते हैं, पिसा हुआ भी या कुटा हुआ। लहसुन अदरक 2 चम्मच के करीब डाल दें। थोड़ी देर तक चलाएं, फिर चिकन डाल दें। चिकन डाल के 5 मिनट भूनना है। इसके बाद ये अचार गोश्त का मसाला है, उसको डाला मैंने 2 से 3 चम्मच। अगर अचार गोश्त का मसाला नहीं है तो आप किसी भी अचार का मसाला यूज कर सकती हैं, जैसे आम का अचार हो या कोई और अचार का मसाला। उसका सिर्फ फ्लेवर लाना है, मिक्स करना है अच्छी तरह से। इसके बाद कटा हुआ आधा टमाटर डालेंगे, छोटा है तो एक, बड़ा है तो आधा, ज़्यादा टमाटर नहीं डालना है। ग्रीन चिल्ली स्प्लिट की हुई, और स्प्रिंग अनियन, इसको थोड़ा भुनने के लिए ढक देना है, और एक दूसरे दबे में ओलिव ऑयल डाल के या कोई भी तेल डाल के तले डालना है। मोटी कटी हुई प्याज 30-20 सेकेंड्स के लिए चलाना है। ये लाल हो जाए हल्की, तो इसमें देखिए हल्की लाल हो गई है गुलाबी। उसके बाद उसमें शिमला मिर्च डालना है, मोटी कटी हुई शिमला मिर्च। ये बात याद रखना है कि उसका क्रंच नहीं जाना चाहिए शिमला मिर्च का। के बाद ये चिकन में जो भून रहे थे उसमें थोड़ा पानी डाल दें, 10 मिनट्स में ये गल जाएगा। उसमें नमक डाल, अभी नमक डालना है थोड़ा, लास्ट मिनट नमक ऐड करना है। उसको थोड़ा चला के ढक दे, और उसको करीब 10 मिनट बाद ये गल जाएगा। देखिए इसकी ग्रेवी बहुत लाइट है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला मैंने। इसमें लास्ट मिनट सर्व करते वक्त ये फ्राई किया हुआ प्याज और शिमला मिर्च ऐड करेंगे, बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए चलाएंगे, 15-20 सेकंड्स इस आंच पे छोड़ा। उसके बाद इसको सर्व करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल आपने क्लिक कर दिया, ताकि कोई भी नए वीडियोस आपसे मिस नहीं होने पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।